नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। साजापुर शहर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने के पहले शहर के शुरुआत में ही भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने भाजपा का झंडा लेकर पहुंच चुके थे और राहुल गांधी का स्वागत मोदी मोदी के नारे से लगाकर किया, जिसको सुनकर राहुल गांधी स्वयं गाड़ी से उतरे और भाजपा कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे। उस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जय श्री राम के नारे भी लगाए और वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के हाथों में आलू भी दे दिए और कहा कि लो आलू और इससे सोना बनाओ। फिरोजाबाद के नसीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाजपुर के समीप बटेश्वर रोड पर बाइक सवार को मारी टक्कर। इस दौरान एक युवक की मौत, एक घायल हो गया और उस खबर से प्रवर में मच गया पूरी तरह से कोहराम। बता दें कि अंकुश नाम के व्यक्ति की हुई है मौत, खेत में जा रहा था अपने परिजनों को रोटी देने, तब यह हादसा हो गया। अतुल जी, क्या मामला है? ये बच्चा का बाबा रोटी देने जा रहा था जी, कहाँ पर हुआ है? मखनपुर रोड पे। क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने? शाजापुर में खाटू श्याम बाबा के फूलों से सजे आकर्षक दरबार के समक्ष बीते दिन रात को भव्य भजन संध्या का आयोजन जिले के सलसलाई में किया गया, जिससे देर रात तक श्रद्धालुओं ने भजनों पर झूमते गाते जयकारे लगाते। इस अवसर पर खाटू श्याम बाबा के भजन गायक तेज सिंह राजपूत, दीपक सिसोदिया और भावना परमार जीवन सिंह राजपूत ने गणपति वंदन के साथ भजन संध्या शुरू कर देर रात तक एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जहाँ पर श्याम प्रेमी भजनों पर थिरकते हुए भी नजर आए। भारतीय पॉप रॉक गायक कैलाश खेर ने औरैया में अपने कार्यक्रम के दौरान दिया बड़ा बयान। बता दें पद्मश्री से कैलाश खेर ने सनातन को लेकर दिया बहुत ही बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि पहला सिर्फ और सिर्फ सनातन ही था, सनातन से ही लोग कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने थे। बता दें औरैया महोत्सव में कार्यक्रम के दौरान कैलाश खेर ने ये बड़ा बयान दिया। औरैया में 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पटकनी देने के लिए जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की बैठक में पदाधिकारी नियुक्त किए गए, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं विधुना विधानसभा विधायक रेखा वर्मा मौजूद रही, जहां पर समाजवादी पार्टी की विधायक रेखा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने की बात कही और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, प्रधानमंत्री बैठेंगे कुर्सी पर, कन्नौज लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव को उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा, विधुना विधानसभा की विधायक रेखा वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचेंगे। विधायक रेखा ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा जीती है, विधुना विधानसभा से पहले 20,000 जीतती थी, आपकी बार 40,000 से जीत कर भाजपा को कड़ी हार का सामना कराएगी। समाजवादी पार्टी 2017 में वोट पड़े थे, 22 में पूरा 20,000 वोट मिला है, यहाँ से बढ़ के मिला है, तो अभी जो 24 में है 30-40,000 बढ़ के मिलेगा, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चिंता न करे, उसकी हार निश्चित है कन्नौज लोकसभा से। किस तरीके से तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी हमारी महिला, इसको लेके पूरी तैयारी करी है और अभी जन जन में जाके और इस मैसेज को दे रहे हैं PDA वाले कि हम सब लोग पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब एक हैं, ये लोहिया जी की धरती है, यहाँ से बहुत भारी बहुमत से कन्नौज लोकसभा यहाँ से जीत के जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भी जीत का ऐलान कर रही है अपने? नहीं, उसका कुछ भी नहीं होना इस बार, सबका भारतीय जनता पार्टी का अब तो इस बार भगाना है भारतीय जनता पार्टी। आज विधुना विधानसभा की जो मासिक बैठक होती है महीने के 5 तारीख को, उसी के तहत ये बैठक की गई है और आज विधानसभा विधुना की कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई है और इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए और उनसे यही आशा उम्मीद की जाती है कि वो 2024 के चुनाव में अपने आस्था के साथ जुटेंगे और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को सफल बनाने का कार्य करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए TV24।